हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या बार बार आते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस का टॉपिक, दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। देखिए, आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे बिकॉज एग्जाम के लिए टाइमिंग बहुत ही कम है, तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से कवर कर लें। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के यूज़ आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस इज द एरा ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऑल इन ऑल स्कूल्स स्टडी इज गोइंग ऑन ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ओनली। सो वर्कशीट्स, PDF फाइल्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर्स ओनली थ्रू द इंटरनेट कंप्यूटर। सो कंप्यूटर साइंस का टीचिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया है बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक टाइम। वी हैव सीन दिस ऑल थिंग्स ना। सो वट इज द मेन एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस इन स्कूल्स? ओके, फर्स्ट इज द टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस शुड एम टू प्रोवाइड फंडामेंटल नॉलेज फॉर द स्टूडेंट। देखिए, अब आप कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो जॉब के लिए या किसी भी फील्ड में चले जाते हो, आपसे कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज एक आपके लिए कंपल्सरी हो जाती है कि आपने चाहे ग्रेजुएशन आपने किसी भी तरह किसी भी फील्ड से की हो बट आपके पास एक कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, है ना। और साथ में अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है उसे डिग्री से कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री, दैट इज़ अ वेल एंड गुड है, बट कंप्यूटर के लिए एक आपको फंडामेंटल नॉलेज स्टूडेंट्स को होनी ही चाहिए। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए ही स्कूल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रखा गया है कि हर क्लास में फंडामेंटल नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए। सो डेवलप इन दैम द स्किल ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस, ताकि बच्चे सोच सके, एनालाइज कर सके। अगर ये कंप्यूटर पे आप काम करते हो तो आप बहुत सी चीज़ों को एनालाइज भी करते हो, है ना, कि कहाँ पे कौन सा टूल है, कैसे आपको पेंट में अगर हम देखें तो कौन से टूल को यूज़ करना है, कहाँ पे आपको स्प्रे करना है, कहाँ पे आपको कलर बॉक्स यूज़ करना है, है ना। सो इनकलकेट प्रोफिशिएंसी इन रीजनिंग एंड सिंथेसाइजिंग, आप रीज़न आउट करना शुरू कर देते हो कि ये चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्या रीज़न हो सकता है, है ना। तो आप चीज़ों को सोचने का एक वे ढूंढते हो। क्रिएट इंटरेस्ट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, अब देखिए जब कंप्यूटर में आपको GUI इंटरफेस मिलता है, दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस, अब CUI तो है नहीं, जो कमांड यूजर इंटरफेस होता था वो तो बहुत ही कम ही यूज, ना के बराबर ही यूज़ होता है, GUI ही यूज़ होता है। तो एक क्रिएटिविटी के आपके अंदर आ जाती है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करने लग जाते हो कि आपको ये चीज़ों को देखना है, है ना। कोई फोल्डर है उसके अंदर क्या है, अगर आप उस फोल्डर के अंदर आप कोई पिक्चर लगा दोगे तो आपको यही क्रिएटिव आपको यही क्यूरियोसिटी रहती है कि उस फोल्डर के अंदर एक्चुअल में है क्या, हमें वो खोल के देखना है, है ना। अगर कोई वो फाइल है तो उस फाइल, अगर कोई वीडियो है या कोई मूवी फाइल है तो आपको वो ओपन करके देखनी है, प्ले करके देखनी है कि उसमें क्या है, है ना। तो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है जिससे कि आप कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते हो। डेवलप कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, आप कंप्यूटर के थ्रू आप कम्युनिकेटिव स्किल्स भी सीखते हो, है ना, सॉफ्ट स्किल्स भी सीखते हो, किस तरह से आपको काम करना चाहिए। हेल्प द स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़, कि आपने जो सीखा है उसको अप्लाई भी करना है, बिकॉज आपको थ्योरी बुक में से पढ़ा देते हैं बट वो कहाँ पे यूज़ हो रही है वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। हेल्प द स्टूडेंट्स अटेन द थिंकिंग प्रोसेस, आपको सोचने के लिए, कि आपको अगर हमने कोई पिक्चर दे दी, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई सीनरी बनानी है तो आप सोचते हो ना कि आपको कौन सा आपको पिक्चर लेनी है, किस तरह का आपको सीन क्रिएट करना है, आप उस कौन से टूल के अंदर जाओगे, है ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो मेक द स्टूडेंट सक्सेस एसोशिएट द नॉलेज इन रियल टाइम एप्लीकेशन, जो आपने बुक्स में पढ़ा है उसको रियल टाइम में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो वो भी आप कंप्यूटर्स में करने से पहले ही देख सकते हो, है ना। मेन चीज़ ये है कि आपको बताना कि कहाँ पे यूज़ होती है। मेक द स्टूडेंट अटेन द स्किल्स ऑफ इनिशिएटिव्स, बिल्ड टीम स्पिरिट, हेल्प द स्टूडेंट्स अटेन द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है यहाँ पे, बिल्ड टीम स्पिरिट। अब देखिए, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अब एक पूरा कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में कीपैड भी होता है, इसकी इंटरनल वर्किंग भी होती है, इसका आर्किटेक्चर भी होता है ना, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मेमोरीज होती हैं और भी बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ें एक पर्सन नहीं बना सकता, कहीं से उसको उसका फिजिकल पार्ट मिलेगा, कहीं से उसको सॉफ्टवेयर पार्ट लेने के लिए जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है तो आपको अपने अकॉर्डिंगली बनाना पड़ बना सेपरेट जो होता है वो लेना पड़ता है। एग्जाम्पल लें हम अकाउंटेंट्स की,
ठीक है, जो सीए का काम करते हैं उनको एक स्पेसिफिक अकाउंटेंट जो सॉफ्टवेयर आता है उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो सॉफ्टवेयर पर्सन के पास जाएंगे जिसके पास वो होगा। तो एक कंप्यूटर पे कुछ भी काम रन करने के लिए आपको दो तीन पर्सन की हेल्प की जरूरत पड़ती है, यानी कि आप एक टीम स्पिरिट में आकर काम करते हो। आपको एक दूसरे की जरूरत है तो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर यूजलेस है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर यूजलेस है ना, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो आप एक टीम बाउंड्री करना सीखते हो, किस तरह से टीम के अंदर कॉपरेट करना चाहिए वो सीखते हो, किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को, अगर एक हार्डवेयर वाले की प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर उसमें कैसे हेल्प कर सकता है ना, या उसको कैसे सजेशन दे सकता है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए कंप्यूटर्स को जब क्लास में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, तो उसके रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि टीम बिल्डिंग और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एक है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोवाइड देम वोकेशनल स्किल्स, कि किस तरह से आप कंप्यूटर में ही अपना एक प्रोफेशन बना सकते हो, किस तरह से आप अपना अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हो। ठीक है, सो इनकल्केट सिटीजनशिप एंड लव फॉर द सोसाइटी एंड नेशन, प्रमोट लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, दिस वॉज द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग द कंप्यूटर साइंस इन द स्कूल्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। ओके, देखिए जो प्राइमरी लेवल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्टिविटी मेथड, प्लेवे मेथड, इंटरैक्टिव मेथड्स, है ना, कुछ डिफरेंट फ्लैश कार्ड मॉडल्स टाइप, या फिर कुछ चार्ट्स के थ्रू उनको बताया जाता है। साइंस इज़ वन ऑफ दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट मैन हैज़ क्रिएटेड टू ग्रेटिफाई सर्टन ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर्स। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना एक इंडिविजुअल लेवल होता है। और ये भी सच्चाई है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों के जो इंडिविजुअल मेमोरी होती है ना पर्सन्स की, उसको जो क्या बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज वो एक खाली पेज की तरह होते हैं, जैसे कि उनको जितना आप काम करने की आदत डालोगे उतने ही वो एक्टिव बनते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी गोल क्या होता है कि बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, हर बच्चे के अंदर। सो विद इट्स एक्सेलरेटिंग इंपॉर्टेंस इन अवर सोसाइटी, कंप्यूटर साइंस हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जनरल नॉलेज। फ्रॉम द प्राइमरी लेवल कंप्यूटर साइंस टीचिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस इन द स्कूल, बिकॉज बच्चों को पहले ही इंटरेक्टिव मोड में सिखाया जाता है कि ये कीबोर्ड होता है, ये माउस होता है। तो मेनली सबसे पहले क्या किया जाता है, बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए एमएस पेंट खोल के दिया जाता है ना। तो जब उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाना होता है टाइपिंग के लिए, उससे पहले उनको नोटपैड से इंटरेक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है कि प्राइमरी लेवल पर कौन सा इंट्रोड्यूस करना है और सेकेंडरी लेवल पर कौन सा इंट्रोड्यूस करना है। तो प्राइमरी लेवल पे कोशिश की जाती है कि पहले इंटरेक्टिव मेथड को ही यूज़ किया जाए। इंक्रीजिंगली द कंप्यूटर साइंस इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कूल्स। नेक्स्ट इज प्राइमरी लेवल पे, एट प्राइमरी लेवल द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड टू डिस्प्ले द लेसन्स इन द फॉर्म ऑफ राइम्स, गेम्स एंड ब्राउजिंग एंड इंटरेक्टिव मोड्स। जैसे कि हमें सब पता है कि प्राइमरी लेवल पे क्या होता है कि राइम्स करवाई जाती हैं, गेम्स के थ्रू, एक्टिविटी मेथड, प्लेवे मेथड, इनके थ्रू ही बच्चों को सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर्स में भी वही चीज़ों को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, जस्ट लाइक बच्चों को गेम्स सिखाई जाती हैं, है ना, स्पाइडर सॉल्टर और कुछ भी इस तरह की, एमएस पेंट करवाया जाता है ना, और उनको कोई मूवी दिखा दी जाती है ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज बाय पियाजे एंड ब्रूनर, द चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसेस, आइकन्स एंड एक्टिव मोड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कि लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में GUI इंटरफेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं, विजुअल करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और वो नई से नई चीज़ें बहुत ही आसानी से सीखने लग जाते हैं। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन के स्टडी में देखें तो बच्चे खुद ही अपना होमवर्क कहाँ से आना है, कहाँ पर अपलोड करना है, सब कुछ अब खुद ही कर रहे हैं ना। सो नंबर ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आर गिवन टू द चिल्ड्रन एट दिस लेवल, मोर ओवर सिंपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर टॉट लाइक लोगो एंड MS पेंट। नेक्स्ट इज एट सेकेंडरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल द कंप्यूटर स्किल्स आर डेवलप्ड, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड एंड पावर पॉइंट आर टॉट। जैसे ही मैंने आपको बताया कि MS वर्ड से पहले बच्चों को नोटपैड के बारे में सिखा दिया जाता है, तो वो प्राइमरी लेवल में बच्चों को दे दिया जाता है नोटपैड ओपन करके, या उनको सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से ओपन करनी होती है डिवाइसेज। तो आप सॉफ्टवेयर जो उसमें डाउनलोड होते हैं, तो उसमें नोटपैड को ओपन करके आप उनसे अल्फाबेट्स लिखवा सकते हो, दिस इज अ बैट, दिस इज अ कैट, तो आप कीपैड के साथ वो इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, है ना। सो एंड आर टॉट इन हेल्प्स टू डेवलप देयर फंडामेंटल कंप्यूटर स्किल्स विच लेड टू हायर लेवल लर्निंग। अब सेकेंडरी लेवल में क्या होता है कि प्राइमरी लेवल में उनको बेसिक इंटरेक्टिव मेथड दिखा दिया जाता है कि किस तरह से उनको चीज़ें ओपन करनी है, और सेकेंडरी लेवल में कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पर कि वो अपना जो दूसरे सब्जेक्ट्स में चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ के फार्मूलाज, है ना, तो उनको ही उनको एक्सेल के ऊपर भी करवाने शुरू कर दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ों को सब्जेक्ट्स को रिलेट कर सके,
ठीक है, सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है तो वो उनको कंप्यूटर पर ही कोई वीडियो दिखाते हैं, तो वो रिलेट करना सिखाते हैं रियल लाइफ में वो सोशल कंसेप्ट किस तरह से यूज़ होता है। तो उसके लिए बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं। सो मोरओवर कंप्यूटर सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इंट्रोड्यूस्ड एट दिस लेवल लाइक बेसिक एंड फोरट्रेन। जो बेसिक और फोरट्रेन है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस हैं और स्टैंडर्ड लेवल पे बच्चों को सिखानी शुरू कर दी जाती हैं, है ना। फोरट्रेन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड बेसिक इज बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड लेवल पे बच्चों को पढ़ाने का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज हायर सेकेंडरी लेवल। देखिए, हायर सेकेंडरी लेवल पे आके बच्चों को काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाती है बिकॉज उनको फंडामेंटल्स क्लियर करवा दिए जाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इनके जो भी इंटरनल वर्किंग होती है, सीपीयू प्रोसेसिंग सिस्टम, सब कुछ उनको समझा दिया जाता है हायर सेकेंडरी लेवल तक। जो हायर सेकेंडरी लेवल होती है यहाँ पे उनको अब लैंग्वेजेस जैसे कि HTML, C++, विजुअल बेसिक, इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड हायर सेकेंडरी लेवल द कंप्यूटर साइंस टीचिंग इज एट हाई लेवल, मीन यहाँ पर इंटरनेट से किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो या अपनी प्रोग्रामिंग करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हो, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी जाती हैं। द प्रोग्रामिंग स्किल बेस्ड क्यूरिकुलम इज इंट्रोड्यूस एट दिस लेवल, द लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड विजुअल बेसिक एंड द वेब लैंग्वेज लाइक HTML आर इन द हायर सेकेंडरी क्यूरिकुलम आर एडिड। सो इट हेल्प्स टू डेवलप द देयर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल थिंकिंग विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू देयर प्रोग्रामिंग स्किल्स। बिकॉज जब आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाता है कि आपको 5 काउंटिंग प्रिंट करनी है ना, या इस तरह से आपको HTML के थ्रू वेब पेजेस बनाने सिखा दिए जाते हैं कि आपको यहाँ पर एक लिंक लगाना है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर लगानी है, बीच में पिक्चर लगानी है, ऊपर हेडिंग लिखनी है, बट और टेक्स्ट नहीं लिखना है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें ऐड करते हो। सबसे डिफरेंट, सबको, सब बच्चों को एक ही चीज़ बताई जाती है बट करने का वे उनका डिफरेंट डिफरेंट भी समझाया जाता है कि लेफ्ट करना है तो लेफ्ट लाइन यूज़ करनी है, राइट करना है तो राइट लाइन यूज़ करनी है, इस तरह से। सो टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस इन हायर सेकेंडरी स्कूल हेल्प द पीपल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस शुड फर्स्ट हेल्प द स्टूडेंट्स फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक टू ट्रेन द पीपल्स to develop scientific to appreciate the technological advances and adopt in their life। कि starting किस तरह से हुई थी उनको history भी बतानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये process first of all तो आज का नहीं है, बहुत पहले का हो चुका है, और हमारे जो scientists थे उन्होंने किस तरह से development भी की है, enhancement in technology आने से किस तरह से उनका laptop computer उनके हाथ में आया है। सो इट प्रोवाइड द स्टूडेंट्स टू थिंक इन डाइवर्सिफाइड वेज, बिकॉज आप देखते हो कि कंप्यूटर में आप डिफरेंट वेज ढूंढ सकते हो एक ही काम को करने के, ठीक है, तो उनको इस चीज़ में उनको क्लैरिफाई हो जाता है कि वो एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई एंड अक्वायर द राइट काइंड ऑफ नॉलेज एंड द स्किल दैट द सोसाइटी डिमांड इन द प्रेजेंट एयर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर बच्चे प्रेजेंट एयर ऑफ टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होंगे तो किस तरह से वो अपने सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए भी स्कूल्स में सिखाया जाता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नया चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट इज टू ट्रेन पीपल्स टू हेल्प द सोसाइटी बाय मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस विच विल मेक द सोसाइटी एंड द नेशन बी प्राउड ऑफ। टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू वर्क एफेक्टिवली एंड कोलैबोरेट एज अ टीम। एज आई टोल्ड यू कि कंप्यूटर का जो पार्ट होता है ना, जो कंप्यूटर प्रॉपर बनता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर्सन के साथ ही बनता है ना। कभी कभी आपको हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको हार्डवेयर इंजीनियरिंग के पास ही जाना पड़ता है, जो उसके हार्डवेयर के बारे में, जिसके पास उसका मटीरियल हो, कोई चेंज करना है तो चेंज करने वाला भी इक्विपमेंट उनके पास होना चाहिए, तो वो एक टीम बाउंडिंग की तरह काम करना सीखते हैं। सो टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ लिसनिंग टू अदर्स ओपिनियंस इन स्पाइट ऑफ द कन्फिनेट अथॉरिटी एंड ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ। कि उनको दूसरे के पॉइंट भी सुनने आने चाहिए, हाउ टू कॉपरेट विद ईच अदर दे शुड नो। सो टू मेक पीपल्स इन्वॉल्व इन एनालिटिक स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग। दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स मेक द पीपल्स ग्रो इन टू कम्प्लीट पर्सनैलिटीज। अब देखिए, जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो, आप खुद भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, है ना, अपने कुछ क्रिएटिविटी ऐड करते हो, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हो कि जिसके आगे आप कोई भी प्रॉब्लम लाते हो और आप उसको ठंडे दिमाग से किस तरह से सॉल्व करना है वो सोचना शुरू कर देते हो। क्योंकि आप कंप्यूटर में जब काम करते हो ना, आपके आगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पहले आप एनालाइज करते हो कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। कोई आपका वर्क चलते चलते काम करना बंद कर देता है ना, तो आप पहले 2 मिनट देखते हो कि इसमें हो क्या रहा है और कैसे आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो, है ना। सो वेन द स्टूडेंट्स आर हैप्पी टू वर्क विद कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिबग एंड डिटेक्ट द फॉल्ट्स। आप ये चीज़ें करते हो ना, जब आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो पहले आप प्रॉब्लम को देखते हो, फिर डिबग करते हो कि उसमें एरर कहाँ से आ रहा है और या क्या उसका फॉल्ट है एरर आने का। सो द टीचर्स कैन लेट देम एंड हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर टैलेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स इस तरह से काम करते हैं ना, तो टीचर उनकी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एनालाइज कर लेते हैं,
कि बच्चे की स्ट्रेंथ कहाँ पे है और वीकनेस कहाँ पे है, तो फिर टीचर उस अकॉर्डिंगली ही बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट कैटेगरीज में काम देते हैं, एक्टिविटीज़ देते हैं। तो टीचर्स को ये हेल्प मिल जाती है कि किस तरह से वो बच्चों के स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। द लैंड मैन वैन इंटरनेट ई मेल एंड फॉरम्स हैव द स्टूडेंट्स गेन नीडेड इन्फॉर्मेशन एंड हैव ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एज द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू वर्क ऑन द इंटरनेट सो दे कैन फाइंड आउट द एवरीथिंग। Students need to be proficient and professional in large computers. They must be trained to acquire the principles of electronic devices and get that dexterity in operations. कि उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कौन सी हार्डवेयर डिवाइस उनको चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे सी डी डी वी डीज को रन करने के लिए आपके पास ड्राइव्स होनी चाहिए ना। सो लर्निंग बाई डूइंग मैथड ऑफ कंप्यूटर साइंस हैव द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बैटर एंड अप्लाई दैम इन सिचुएशन ऑफ नीडेड। आपको अब मैथ्स के फॉर्मूले बता रखे हैं जी, इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम बाई 100, और परसेंटेज निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो, एडिशन आपको 10 नंबर्स की करनी है तो 111 करके आप करते हो, बट एक्सेल में वही काम आप फॉर्मूला के साथ बहुत ही ईजिली कर लेते हो, तो आप उनको अप्लाई करना भी सीखते हो। Students get the freedom of learning by hands-on training, identify the appropriate electronic devices for their usage and become skilled users of the system. The computer laboratory facility to promote the vocational skills in the students. कि बच्चों को सिखाया जाए कि कौन सी सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा काम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, तो इनके थ्रू आप किस तरह से अपना वोकेशन, अपना एक प्रोफेशन बना सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंक्लूजन। इन सच प्रॉस्पीरियस सिचुएशन टू मीट द कंपटीशन इन कल्केटिंग वोकेशनल नीड इन द हायर सेकेंडरी लेवल इट सेल्फ इज अ डिमांड ऑफ द एरा। सो इट इज़ अ फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड अथॉरिटीज टू प्रोवाइड द नीडेड वोकेशनल स्किल्स टू देयर स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज माई सेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट डिफरेंट लेवल्स एंड द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग द कंप्यूटर साइंस इन द स्कूल्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट जरूर करके जाया करो, बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।